नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल बैंकपुर पे। सो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज। आई नो दैट कि आप में से कुछ बच्चों को तो इसके बारे में कुछ पता होगा, लेकिन हो सकता है ज्यादा अच्छे से नहीं पता हो। लेकिन कई सारे ऐसे, कह सकता हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या है ऐसा कि जिसकी वजह से हमें इंडिया के अंदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के टेस्ट फ्री में मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं सीधे testwale.com पे। सो दोस्तों, क्या करना होगा, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के अगर फ्री में लाइव टेस्ट लगाना है, राइट, फ्री में लाइव टेस्ट लगाना है, तो आपको गूगल क्रोम पे आपकी जो वेबसाइट है या फिर आपके पास जो भी ब्राउजर है वहां पे आपको डालना पड़ेगा testwale.com। जैसे ही आपके पास ये वेबसाइट खुलेगी, यहां पे आप सीधे सीधे यहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सीधे वेबसाइट के पोर्टल पे पहुंचेंगे। तो देखिए, यहां पे जैसे आप पोर्टल पे पहुंचेंगे, पोर्टल कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा, ठीक है। इसके बाद आप सीधे यहां पे आएंगे, यहां पे आपको कुछ ऑप्शन दिखने वाले हैं। एक है टेस्ट सीरीज, दूसरा है लाइव टेस्ट और तीसरा है फ्री क्विजेस। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे कुछ फ्री क्विजेस लगानी है, तो क्विजेस के लिए आप क्विजेस के ऑप्शन पे आएंगे। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, आप मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं, तो आपको उसके लिए टेस्ट सीरीज के इस ऑप्शन पे जाना है और एक्सप्लोर पे टेस्ट सीरीज पे आना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आपके सामने पोर्टल कुछ इस तरीके से खुलेगा, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे है। आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ऊपर आएंगे और यहां पे आप देखिए लेफ्ट साइड में, अगर स्टेट पीसीएस की आप पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम, डिफेंस, टीचिंग, पुलिस एग्जाम, ईएसआई सी एग्जाम, या फिर कोई दूसरे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सीधे यहां पे क्लिक करेंगे। जैसे सपोज करो मैंने बैंकिंग एग्जाम पे क्लिक किया, बैंकिंग एग्जाम पे क्लिक करने के बाद अब आप दिल थाम कर बैठ जाइए, आपको ये नंबर पता लगेगा कि ऐसे कितने सारे टेस्ट है जो बिल्कुल फ्री है। एक टाइम बाउंड स्ट्रक्चर में आपके सामने आएंगे, दोनों लैंग्वेज में आएंगे, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, और आप वो टेस्ट लगा पाएंगे। तो देखिए क्या करना होगा, आप सीधे यहां पे आएंगे, इसे स्क्रॉल किया आपने, अब आप देखिए यहां पे एबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल के 34 मॉक टेस्ट हैं आपको जो यहां पे दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। अगर आप देखते हैं आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के 42 मॉक टेस्ट हैं जो आपको दोनों लैंग्वेज में यहां पे मिल रहे हैं। इसी तरीके से आईबीपीएस क्लैरिकल के यहां पे 11 मॉक है जो अब तक आ चुके हैं और मॉक एड ऑन हो रहे हैं वैकेंट पे। आरबीआई असिस्टेंट के 31 मॉक है, आईबीपीएस पीओ के 13 मॉक है, एसबीआई क्लैरिकल के 22 मॉक है, एसबीआई पीओ के 27 मॉक है। यानी अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इन मॉक को लगा सकते हैं। जैसे इस समय का सबसे टॉप जो एग्जाम है, जो इस समय सबसे ट्रेंडिंग एग्जाम है, दैट इज कॉल्ड आईबीपीएस आईबीपीएस आरआरबी पीओ एज वेल एज आरआरबी क्लर्क, राइट। तो अपन क्या करते हैं, अपन सीधे यहां पे क्लिक करते हैं। मैंने यहां पे क्लिक किया, मैंने टेस्ट खोल दिया। मैंने टेस्ट जैसे ही खोला तो मेरे सामने यहां पे टेस्ट आ गया, आपके सामने यहां पे अटेम्प्ट लिखा हुआ आ गया अटेम्प्ट। आप, मैंने क्या बोला, ये फ्री है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए पे करना है, यू डोंट नीड टू पे, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। आप एक बार फिर से क्या करेंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आप दोबारा इस पे क्लिक करेंगे। आ गया यहां पे जैसे ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर आएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर यहां पे डालिए, राइट। आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पे डालना है, ये इसलिए प्रोसीजर है कि भाई ये पता कर सके कि इस बच्चे ने ये टेस्ट लगाया है और आपको उसका एनालिसिस शेयर किया जा सके। तो आप क्या करेंगे, यहां पे आएंगे, आपने जैसे सपोज करो मैं यहां पे अपना नंबर डाल रहा हूं, कंप्यूटर जी इसको हाइड कर देना, ठीक है, कहीं बच्चों को मेरा नंबर पता लग जाएगा तो दिन रात कॉल करके परेशान कर देंगे, ओके। तो ये मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया, नंबर यहाँ पे डाल दिया और मैंने यहाँ पे ओटीपी मांग लिया। अब भाई मेरे पास आएगा क्या ओटीपी, सो देखिए यहाँ पे आ गया अपने पास ओटीपी। ओटीपी अपन ने डाला यहाँ पे 373277, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, नाम यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए अपना नाम। ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, कंप्यूटर जी मेरा ईमेल आईडी छुपा देना, ठीक है। जैसे दोस्तों आप अपने यहां पे ओटीपी डाल देते हैं, मोबाइल नंबर है, ओटीपी और ये नाम डाल देते हैं, नाम डालने वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई होने के बाद आपका सीधा यहां पे क्या खुल जाएगा, टेस्ट खुल जाएगा। नाउ अब आप क्या करेंगे, आप अपने टेस्ट के लिए यहां पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको ये कंडीशन जो कि एग्जाम हॉल में भी होती है कि भाई आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको ये फॉलो करना है, ये सारी कंडीशन को यहां पे आपको क्या करना है,
चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद अब आप देखेंगे आपके लिए फ्री लाइव टेस्ट ओपन होने वाला है। एंड हियर इज द फ्री टेस्ट। आप यहां देखो अपने आरआरबी पीओ में दो ही सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और क्वांट। आप रीजनिंग का सेक्शन यहां पे खुल गया, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके पास यहां पे खुल गए। आपको अगर लैंग्वेज चेंज करना है आप यहां पे आके हिंदी ले सकते हैं, ये पूरा प्रोसीजर है। बिल्कुल एग्जाम हॉल में भी ये इसी पैटर्न पे मिलेगा आपको। आपके यहां पे देखो पूरा की पूरा एज इट इज मार्क है। अब मैं आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई एरर है, कोई भी क्वेश्चन में एरर, सपोज करो ये पहला क्वेश्चन है, आपको लगता है कि सर इसके अंदर एरर है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाकर के इसे क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट करेंगे। तो यहां पे आपको सीधे सीधे सेलेक्ट करना है कि भाई ये रॉन्ग क्वेश्चन है या ये रॉन्ग ऑप्शन है, व्हाटएवर जो भी है, और आपको जो भी लिखना है कि भाई इसकी जगह पे ये होना चाहिए था या फिर ये गलत है, आपको बस इसे क्या करना है, सबमिट कर देना है। क्लियर है? ये सबमिट होते ही ये जाएगा टीम के पास और टीम इसे वेरीफाई करेगी। अगर इसमें से कुछ भी एरर निकला तो वो उसको तुरंत रेक्टिफाई करेगी। क्लियर है? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि ह्यूमन है, ह्यूमन एरर बनना पॉसिबल है और बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक दो नहीं तीन तीन बार यहां पे क्या होता है, क्वेश्चन को फिर भी फिल्टर किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई एरर आए तो प्लीज आप यहां पे जाएंगे और इसको जरूर से जरूर रिपोर्ट करेंगे ताकि और दूसरे बच्चे तक ये गलत क्वेश्चन ना पहुंचे और बैकएंड पे टीम इसे पहले ही सही कर दे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अगर आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास, ये हिंदी में है, आप यहाँ चाहे तो इंग्लिश चेंज कर सकते हैं और लगातार क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इस तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पे आपको जंप करना है तो क्वेश्चन पे आप जंप कर सकते हैं, सीधे 40 नंबर पे आ रहा है तो 40 पे जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं तो मैथ्स कर रहा हूं तो लेट्स स्टार्ट मैथ्स, आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, मिसिंग डीआई आ गई है, तो डीआई आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास टोटल पूरे 80 की 80 क्वेश्चंस यहां पे होंगे। ये गाइस कह सकता हूं मैं इंडिया में दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो आपको फ्री लाइव टेस्ट दे रही है, वो भी टाइम बाउंड स्ट्रक्चर में। आप यहां देखिए आपका यहां पे टाइम चल रहा है 45 मिनट मिलते हैं आपको एक पूरे 80 क्वेश्चन करने के लिए। यहां पे टाइम चलता रहेगा, आपको टेस्ट पॉज करना है तो आप बीच में पॉज कर सकते हैं। पॉज कर देंगे तो टेस्ट आपका यहां पे क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, राइट। अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे दोबारा स्टार्ट करना है, रिज्यूम पे जाएंगे, रिज्यूम करेंगे तो आपका टेस्ट दोबारा से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और सेम उसी टाइम पे स्टार्ट होगा जिस टाइम पर आपने क्या किया था, रिज्यूम किया था, यानी रोका था। तो ये पूरा प्रोसीजर है जहां पे आप अपने आरआरबी पीओ के एग्जाम, आरआरबी क्लरिकल के एग्जाम की लाइव तैयारी कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं। यार देखो सब तैयारी कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, पर मैं बता रहा हूं जीतेगा वही जो इस समय स्पीड टेस्ट लगाएगा, मॉक टेस्ट लगाएगा, अपनी स्पीड चेक करेगा कि उसके कितने मार्क्स आ रहे, कितने नहीं आ रहे। तो ये बात थी, हमने आपको बताया कि कैसे बैंक एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप फ्री में लगा सकते हैं, आप प्रीलिम्स के सारे मॉक लगा सकते हैं। यहां पर कुछ ही दिनों के अंदर आपको मेंस के मॉक मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आप मेंस के मॉक भी फ्री में लगाएंगे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं पे करना है, बस बैंकपुर चैनल पे आइए, लाइव देखिए हमारे सभी सेशंस को, बैंकपुर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और अपने सिलेक्शन के पास आइए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो दिस इज द ओवरऑल जो मैं आपको यहां पे बताया, testwale.com है। कोई भी फीडबैक अगर आपको देना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। अगर आप एसएससी के एस्पायरेंट है तो सीधे सीधे आप जाएंगे यहां पे एसएससी खोलेंगे, आपको यहां पे एसएससी के टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप लगता है कि आप सर टीचिंग ग्रेड के एग्जाम्स के दे रहे हैं तो आप टीचिंग ग्रेड को खोलेंगे। तो यहां पे आप अपने बस एग्जाम्स को देखिए, एसएससी के स्टूडेंट है एसएससी को देखिए, अगर आप बैंक स्टूडेंट है तो बैंक को दीजिए, रेलवे के एस्पायरेंट है तो रेलवे के एग्जाम को दीजिए। यहां पे दुनिया भर के टेस्ट है आपके पास, लगाइए। 83 मॉक टेस्ट सीजीएल मेंस के हैं, प्रीलिम्स का सीजीएल प्री का 118 टेस्ट है यहाँ पे। आप देखिए, अब आपको डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा उत्सुक है अपने एग्जाम्स को, अपने सिलेक्शन को लेने के लिए, बिकॉज एग्जामपुर बैंकपुर तो मेहनत कर रहा है, अब आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी थी आपके साथ शेयर करने के लिए, तो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बैंकपुर आपका अपना यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है सचिन मोदी और आपको मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, आप मेरी क्लासेस भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।